नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका मेट्रो एक्सप्रेस देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवम सोनी। तो हुगली विधानसभा में चुनाव से पहले ही राजनीतिक हिंसा का सिलसिला शुरू हो गया है। तृणमूल के कब्जे पर वाली दीवार पर लेखन किए जाने का आरोप तृणमूल ने भाजपा पर लगाया है। वहीं तृणमूल नेता तन्मय देव द्वारा लेखन करने से मना करने पर भाजपा के 4-5 कार्यकर्ताओं ने हमला बोल दिया, जिसके चलते तृणमूल नेता के सिर में चोट लग गई। घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया जहां इसकी शिकायत और उत्तरपाड़ा थाने में दर्ज कराई गई। वहीं दोषियों की गिरफ्तारी की मांग की गई है। इस घटना के विरोध में तृणमूल समर्थकों ने जमकर प्रदर्शन किया। इधर भाजपा अध्यक्ष श्यामल बोस ने बताया कि तृणमूल कांग्रेस से अनुमति लेकर ही दीवार पर लेखन किया जा रहा था। उन्होंने हमले की घटना से इनकार किया है। কিছুই হয়নি, আমি আজ থেকে জিজ্ঞাসা করলাম যে এটা তোরা লিখলি, তো আমাদের ব্লক করা ছিল, কোনো বলানি পাওয়া নেই, আচমকা সবাই মিলে ধরে মানল। কতজন ছিল ওরা? 4-5 ছিল। আমাদের সেখানে একজন ক্রিমিনাল অ্যাক্টিভিটিস আছে এরকম খেলেও ছিল, তার নাম জিতেন সাউ, ও ক্রিমিনাল অ্যাক্টিভিটিসও আগে আছে। पश्चिम बंगाल के चुनाव में गजब की राजनीति देखी जा रही है और अब तृणमूल कांग्रेस के तफसीली जाति के लोगों से जनसंपर्क करने पर भाजपा ने तंज कसा और कहा है कि टीएमसी जाति की राजनीति कर रही है और वोट बैंक बढ़ाने के लिए तफसीली समाज के लोगों से संपर्क कर रही है। दरअसल तफसील समाज के 2 लाख से ज्यादा वोटर्स हैं और उन पर भाजपा ने अपना कब्जा जमा रखा था, जिस पर अब ममता बनर्जी के समर्थकों ने संपर्क करना शुरू कर दिया है, जिसके बाद भाजपा आरोप प्रत्यारोप लगा रही है। उत्तर दिनाजपुर के गायशल ग्राम पंचायत के अलीपुर गांव में भूमि विवाद को लेकर दो गुटों में भिड़ंत हो गई, जिसके चलते कई लोग घायल हो गए। वहीं घायलों को अस्पताल में दाखिल कराया गया। इस मामले में दोनों पक्षों ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। पुलिस ने जांच कर उचित कार्रवाई करने का आश्वासन दिया है। तृणमूल कांग्रेस के उस बयान पर बवाल मच गया जिसमें पीएम मोदी की सरकार को भ्रष्ट, गुंडा और दंगे लुटेरे वाली सरकार कहा गया था। इसके बाद भारतीय जनता पार्टी ने मुख्य चुनाव आयोग को मामले में शिकायत की है और कहा है कि ये सब मनगढ़ंत कहानी है। दरअसल 19 मार्च को पूर्व मिदनापुर में ममता बनर्जी की एक रैली हुई थी, जिसमें इस तरह के बयान दिए गए थे जो सरासर गलत है और इसी को लेकर भाजपा ने मुख्य चुनाव आयोग को पत्र लिखा है। डोमझूर हावर में विधानसभा वोट में सभी उम्मीदवारों ने प्रचार प्रसार शुरू कर दिया है। राजीव बंदोपाध्याय ने हावरा में पदयात्रा निकाली। वहीं तृणमूल कांग्रेस के समर्थकों ने पूरे इलाके को गोबर और गंगाजल से शोधन किया। उन्होंने कहा कि राजीव बंदोपाध्याय के आने से पूरा इलाका दूषित हो गया है। इस अवसर पर तृणमूल कांग्रेस के कल्याणेंदु घोष, चाई माइलेर, ग्राम सेवक सुभाष रॉय सहित कई पदाधिकारी मौजूद थे। অসামাজিক ব্যক্তিদের সঙ্গে নিয়ে চামড়ালের ওপর দিয়ে বিজেপির যিনি প্রার্থী হয়েছেন তিনি এই এলাকায় গেছেন, তাই আমাদের এই এই অঞ্চলের চেয়ারম্যান সুভাষ রায় সমস্ত কর্মী নিয়ে আজকে ঝাড়ু দিয়ে পরিষ্কার করে গঙ্গা জল এবং গোবর দিয়ে শোধন করছে। पश्चिम बंगाल के झाड़ग्राम के अगुबानी ग्राम पंचायत में भारतीय जनता पार्टी और टीएमसी कार्यकर्ताओं में विवाद होने पर टीएमसी कार्यकर्ता की मौत हो गई। इधर मृतक की पत्नी ने भाजपा कार्यकर्ताओं पर आरोप लगाया है। तो वहीं पंचायत सदस्य माणिक साहब का कहना है कि जमीनी मामले को लेकर विवाद हुआ था, जिसमें दुर्गा सोरेन की मौत हुई है, न कि भाजपा कार्यकर्ताओं की झड़प से। মানে বিজেপি তো গোটা রাজ্য জুড়েই মানে 18টা লোকসভা কেন্দ্রে জেতার পরই নিজেদেরকে মনে করেছে যাচ্ছে, তাই অবস্থা হয়ে গেছে আর কি। সন্ত্রাস গোটা রাজ্যেই শুরু করেছে, জঙ্গলমহলের মাটিতে আসলে সন্ত্রাস কারা চালাচ্ছে তার সবচেয়ে বড় প্রমাণ আজকে আমাদের যে দুর্গাদা আমাদের ছেড়ে চলে গেলেন, শুধুমাত্র মাকে অশ্লীল ভাষায় আক্রমণ করেছে বলে প্রতিবাদ করার জন্য যে ছেলেকে চলে যেতে হয়, আপনি ভাবতে পারছেন তারা ক্ষমতায় এলে বাড়ির মা বোনেদের ঘটনা বলছে। ওরা টিএমসি লোক অনেকদিন থেকে আমাদের টার্গেট নিয়েছে, যাতে ওরা ওইখানে ওদের কোনো শক্তি নাই টিএমসি, ওরা সন্ত্রাস করে মাওবাদী সন্ত্রাস করে আমাদের ছেলেদের মারপিট করে ওরা ভোট গ্রহণ করতে চায়। पश्चिम बंगाल के दक्षिण दिनाजपुर जिले के वंशहरी थाना इलाके में पत्नी की हत्या करने के बाद पति ने आत्महत्या करने का मामला सामने आया है, जिसमें पुलिस जांच कर रही है। आसपास के लोगों का कहना है कि उन्हें घर से बच्चों के रोने की आवाज सुनाई दी। इधर जैसे ही लोग घर पहुंचे तो देखा कि हाफिजुर रहमान का शव फंदे से पर झूल रहा है
और अंदर पत्नी की लाश खून से सनी हुई पड़ी है। हालांकि पुलिस इस पूरे मामले की तफ्तीश में जुटी है। सकाल बेला बच्चाटा खेने बार আমরা তখন কিন্তু বিছানাই, তারপরে যাই দেখি দুয়ারটা খুলেছে, ঝুলন্ত অবস্থায় ঝুলতেছে। তারপরে দেখলাম যে কি ব্যাপার, ফাঁসিতে ঝুলা আছে। তারপরে ভাবলাম ফাঁসিতে কে ঝুলছে, এই স্বামী। আচ্ছা, जलपाईगुड़ी इलाके के नगरकाटा ब्लॉक घटिया चाय बागान में नवविवाहिता से मारपीट का मामला सामने आया है, जिसमें पुलिस जांच कर रही है। पुलिस का कहना है कि लड़का लड़की की 4 दिन पहले शादी हुई थी, मगर दोनों को एक दूसरे पसंद नहीं दूसरे को पसंद नहीं करते थे और इसी को लेकर एक बैठक की गई। बैठक में फैसला लिया गया था कि फिर से एक बार बैठक की जाएगी, मगर बैठक से पहले युवक अपनी पत्नी से मिलने उसके घर पहुंच गया और जहां युवक के परिजनों ने नवविवाहिता की पिटाई कर दी। हालांकि पुलिस पूरे मामले की तफ्तीश कर रही है। आपका नाम क्या है? राखी खिरवा। क्या हुआ? मारा है सुबह सुबह। कौन मारा है? निर्मला ने। तो फैसला नहीं हुआ, रद्द। मैंने फैसला में लिखा गया कि 10 बजे रविवार को फिर से ये मीटिंग किया जाएगा, तो ये लोग 10 बजे का पहले ही लोग ये सब घटना किया है सुबह में। पश्चिम बंगाल के उबरडांगा नगर पालिका के सामने भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं ने धरना प्रदर्शन किया। भाजपा कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया है कि नगर पालिका से सत्तारूढ़ दल ने दस्तावेजों को चोरी कराया है। भाजपा अध्यक्ष आशीष बनर्जी के नेतृत्व में नगर पालिका के सामने धरना प्रदर्शन किया गया। আপনাদের এই মিডিয়া মাধ্যম আমরা জানতে পারলাম যে নির্বাচন কমিশনার এই পৌরসভাগুলো যে বন্ধ আছে, ভোট পর্ব বন্ধ করে রেখে দিয়েছিল মমতা ব্যানার্জী, তাদের প্রশাসক বসিয়েছিল। এই প্রশাসকদের সরিয়ে সরকারি প্রতিনিধি যারা নিয়ম অনুযায়ী প্রশাসক বসা নয়, সেটা কালকে আগামীকাল 22 তারিখ 10টার সময় বেঁধে দিয়েছে। पश्चिम बंगाल के चुनाव को लेकर राजनीति अलग ही रूप लेती दिखाई दे रही है और इसी के चलते दिनहट्टा में भाजपा कार्यालय में तोड़फोड़ की गई और फिर आग लगा दी गई। हालांकि दमकल की गाड़ियों ने आग पर काबू पा लिया। इधर भाजपा कार्यकर्ताओं ने ममता बनर्जी पर आरोप लगाते हुए कहा है कि तृणमूल कांग्रेस का हाथ है इसके पीछे, तो वहीं तृणमूल कांग्रेस की तरफ से इस घटना के संबंध में साफ इनकार किया गया है। हालांकि पुलिस इस पूरे मामले की जांच में जुटी है। আমাদের কর্মীদেরকে ধমকি চমকি বোম বন্দুক দেখিয়ে ভয় দেখানোর চেষ্টা এবং তাদের বাড়িঘর ভাঙচুর, ঠিক একই রকমভাবে গতকাল রাতে আমাদের আবুদরার পার্টি অফিস ভাঙচুর করে এবং পার্টি অফিসের ভিতরের চেয়ার টেবিল সমস্ত কিছু পেট্রোল ঢেলে আগুন লাগিয়ে দেয়। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में फरक्का बैराज चित्तरंजन मार्केट में भाजपा कार्यकर्ताओं ने प्रत्याशी बदलने की मांग की है। कार्यकर्ताओं ने सड़क जाम करके उम्मीदवार हेमंत घोष को बदलने की मांग की है। कार्यकर्ताओं ने केंद्रीय राज्य और जिला नेतृत्व को लिखित शिकायतें भेजी हैं और आंदोलन की चेतावनी दी। खबर हावड़ा से है, जहां पर कुमरा पंचायत के 5 घड़िया बस्तला इलाके में 7वीं कक्षा की छात्रा के साथ एक युवक ने अश्लील हरकत करने की कोशिश की। इसकी जानकारी लगते ही लोगों को आरोपी के घर लोग पहुंच गए और आरोपी इससे पहले घर से फरार हो गया। वहीं इस घटना की जानकारी पुलिस को दी गई, जिसके बाद पुलिस ने लोगों को आरोपी के खिलाफ कार्रवाई करने का आश्वासन दिया। সজল হালদার নাম করে আর তার ছেলে অভিজিৎ হালদার, এই দুইজন এরা বাপ বেটা, এরা বাইরের থেকে মেয়ে ছেলে নিয়ে এসে আমাদের গ্রামে আশেপাশে এরা ওই মেয়ে ছেলে নিয়ে এরা বাজে কাজ করে। আর এই কিছুদিন এক সপ্তাহ আগে এরা এই আমার বাড়ি। मुर्शिदाबाद की जलंगी विधानसभा के उम्मीदवार अब्दुल रज्जाक को बदले जाने की मांग को लेकर तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया। कार्यकर्ताओं ने कालीगंज बाजार में सड़क जाम करके विरोध प्रदर्शन किया। कार्यकर्ताओं ने 24 घंटे में उम्मीदवार बदलने की मांग की और शीर्ष नेतृत्व का पुतला जलाया।
তাই আমাদের আগামী 24 ঘন্টা পরে আপনারা যদি আমাদের দল আমাদের প্রার্থী নির্দলীয় ঘোষণা হয়ে যাবে। हुगली में भाजपा कार्यकर्ताओं ने श्रीरामपुर थाने के सामने विरोध प्रदर्शन किया है और जनसंपर्क नहीं करने देने के लेकर पुलिस पर आरोप लगाया है। भाजपा कार्यकर्ताओं ने कहा है कि जनसंपर्क करने से पहले पुलिस को पूरी जानकारी देने के लिए पुलिस व्यवस्थित कर रही है। कार्यकर्ताओं ने कहा है कि पुलिस तृणमूल कांग्रेस के कहने पर पुलिस परेशान कर रही है और जनसंपर्क नहीं करने दे रही है। टीएमसी से मांगा जा रहा है, टीएमसी लोगों को बोला जा रहा है बीजेपी के ऑफिस के सामने नारा न दो पुलिस, हम लोग एक पक्ष कर रहे हैं पुलिस अभी भी, इसीलिए आज हम आए यहाँ। आईसी नहीं थे, जो दूसरे ऑफिसर थे उन लोग से बात हुई, पुलिस कमिश्नर से भी बात हुई, हम लोग को आश्वासन दिया गया है कि फ्यूचर में ये प्रॉब्लम नहीं होगा, तो इसीलिए हम लोग आज यहाँ आए हैं। पश्चिम बंगाल के हावड़ा से भारतीय जनता पार्टी ने अपना उम्मीदवार राहुल सिन्हा को बनाया है। राहुल सिन्हा ने हनुमान मंदिर में पूजा अर्चना करके अपने समर्थकों के साथ प्रचार शुरू किया। इस दौरान राहुल सिन्हा ने कहा कि इस बार हावड़ा में कमल का फूल खिलेगा, तृणमूल कांग्रेस का फूल सूख गया है, टीएमसी समझ गई है कि हावड़ा विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी की पकड़ मजबूत है। কারণ ইতিমধ্যে তৃণমূলের প্রার্থী বুঝে গিয়েছে যে হাবড়া কেন্দ্র বিজেপির দখলে আসছে, এখানে ঘাস ফুল শুকিয়ে যাচ্ছে, পদ্ম ফুল ফুটে উঠেছে, অতএব হাবড়ার মানুষ আর ঘাস ফুলকে দেখতে চাইছে না, আর চালচোরদের দেখতে চাইছে না, রেশন কেলেঙ্কারি আমফান কেলেঙ্কারি। खबर सिवड़ी वीरभूमि से है, जहां पर सिवड़ी विधानसभा से जगन्नाथ चट्टोपाध्याय को भाजपा से प्रत्याशी बनाया गया है। भाजपा की घोषणा पत्र जारी होने के बाद विधानसभा क्षेत्र के जहां विभिन्न जगहों पर दलीय कार्यालयों में तोड़फोड़ की गई, तो वहीं जगन्नाथ चट्टोपाध्याय के समर्थकों ने अपने उम्मीदवार का स्वागत किया। बीजेपी उम्मीदवार ने तारापीठ मंदिर में पूजा अर्चना कर अपना प्रचार प्रसार शुरू किया। কালকে রাত্রি 1টার সময় যখন আমরা ফিরছি তখন দেখছি দুজন ফিরছি আমার অস্থায়ী একটা পার্টি বুঝে আছে সাংবাদিকে ক্রস করেছে, তার সামনে কিছু ফ্ল্যাগ, আমাদের কিছু ফ্ল্যাগ জ্বলছে আর কঞ্চি জ্বলছে। আচ্ছা কখন হয় ঘটনা? রাত্রি 1টা নাগাদ। এটা রাত্রি 1টা আমরা খেয়াল করেছি 1টা নাগাদ। কতগুলো ফ্ল্যাগ হবে জ্বলছিল? আমাদের হিসাবে হয়েছে মোটা 20 থেকে 30টা ফ্ল্যাগ। কালকে রাত্রি 1টার সময় যখন আমরা ফিরছি তখন দেখছি দুজন ফিরছি, তখন দেখি আমার অস্থায়ী একটা। বুলেটিন মেতনা হ্যাঁ।